संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना का शुभारंभ इसी कड़ी में दिनांक 26 फरवरी 2023 को ब्रांच मुरादाबाद रामगंगा नदी लालबाग पर सफाई अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 562 स्वयं सेवक अपनी स्वेच्छा से सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के आदेश का पालन करते हुए आज प्रातः से ही रामगंगा नदी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं। नौजवानों के साथ साथ उम्र दराज स्वयं सेवक भी संत निरंकारी मिशन की टी शर्ट कैप वर्दी पहनकर पवित्र गंगा नदी को प्रदूषित रहित बनाने में जुटे हुए हैं। इनका यही नारा है कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन। आज प्रातः से ही संत निरंकारी मिशन के स्वयं सेवक सुबह 7 बजे से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए। इस अवसर पर भगवान दास, भूरे सिंह मास्टर, जय सिंह, वीर सिंह, बहन नेनापाल आदि उपस्थित थे। इस सफाई अभियान में स्वयं सेवकों के अलावा स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर निरंकारी स्वयं सेवक रामगंगा नदी को स्वच्छ व सुंदर बनाने में पुरजोर कोशिश कर रहे थे तथा आसपास रहने वाले नागरिकों को भी इस अभियान के प्रति जागरूक कर रहे थे तथा बार बार यह कह रहे थे कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक हैं। जल बचाओ कल बचाओ, स्वास्थ्य है जल स्वास्थ्य है कल, प्रदूषित पानी हमारी हानि, सभी की यह है जिम्मेदारी, साफ हो ये दुनिया हमारी आदि स्लोगन बोलकर सभी को जागृत कर रहे थे। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से माननीय श्री विवेकानंद जी, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी सुधीर कुमार, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन ग्रामीण आदि ने सहयोग प्रदान किया तथा संत निरंकारी मिशन द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट अमृत की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उनके द्वारा कहा गया कि आप सभी इस कार्यक्रम में भाग लेकर रामगंगा नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का भरपूर योगदान दे रहे हैं। आज निरंकारी मिशन की ओर से सफाई अभियान है। यहाँ काली के मंदिर लालबाग में नदियों की सफाई के लिए सदगुरु माता जी का ये आदेश है कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन। तो प्रत्येक वर्ष हम सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम सफाई अभियान करते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर, अस्पताल में। अब के सदगुरु माता जी का आदेश है कि हमने नहरों नदियों की सफाई करनी है, जिससे कि स्वच्छ जल हो स्वच्छ मन हो, ऐसा सदगुरु का आदेश है। हम प्रत्येक वर्ष यही सफाई अभियान चलाते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर आकर के देखा कि हम संयोजक महात्मा श्री मनसाराम निरंकारी जी के साथ में यहाँ पर आए और देखा कि ये पवित्र स्थान है रामगंगा का, यहाँ काली का मंदिर है जो शहर का प्रसिद्ध मंदिर है। तो हमारे श्री मनसाराम निरंकारी जी ने, संयोजक महात्मा है ब्रांच के, इन्होंने कहा कि यही रामगंगा का तट जो है पवित्र किया जाए। यहाँ पर आकर के देखा कि यहाँ पर बहुत गंदगी थी, तो शहर वालों ने, नगरवासियों ने भी, मोहल्ले वालों ने आकर के देखा कि निरंकारी मिशन के अनुयायियों ने बहुत यहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाया है, बड़ी अच्छी बात है। कहने लगे कि ये तो प्रत्येक माह हो तो अच्छी बात है और हम भी इस चीज़ से आपसे शिक्षा ली है कि गंदगी यहाँ पर ना फैलाएं। ऐसा सदगुरु का आदेश है कि हमने जो है स्वच्छ जल स्वच्छ मन को लिए सदगुरु का आदेश माना है। आज यहाँ पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद द्वारा, जो पूरे विश्व भर में, भारतवर्ष में लगभग 27 राज्यों में ये अभियान, सफाई अभियान शुरू हो रहा है, चल रहा है, और जो भी नदियां हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, सभी के जो आसपास की जो गंदगी है वहीं पर ये सफाई अभियान का प्रोग्राम किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे लगभग 700 शहरों में ये सफाई अभियान जारी है बिल्कुल, तो जैसे माता जी का भी हमारे आदेश है कि स्वच्छ मन और स्वच्छ जल बिल्कुल हमें इस तरह से अपना जीवन को करना चाहिए। और सदगुरु बाबा जी हरदेव सिंह जी का भी नारा था कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है, इन सभी से हमें बचना चाहिए।